एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐड द फॉलोइंग रेशन नंबर्स, यानी जो रेशन नंबर आपको दिए हैं उनको ऐड करना है। ऐड मींस इन दोनों नंबर के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो देखिए -7/5 +2/7। तो देखिए इसका एलसीएम लीजिए, 5 और 7 का एलसीएम आएगा 35। 5 का डिवाइड 35 में 7 बार, 7 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 49, प्लस 7 का डिवाइड करो 35 में, 7 5 जा 35 5 2 जा 10। अब देखिए माइनस का 49 है प्लस का 10 है, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा और कितने बचेंगे, 49 में से 10 माइनस करो, 39/35, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बी, -9/13 एंड -8/5। तो देखिए -9/30 प्लस फिर आगे -8/5 लिखा है, अब इसको भी एलसीएम लेके सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए 13 और 5 का एलसीएम आएगा 13/5 = 65। अब 13 का 65 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार, 5 का -9 में मल्टीप्लाई माइनस के 45। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स प्लस और माइनस है, प्लस माइनस मींस माइनस होता है। अब 5 का डिवाइड 65 में 13 बार और 13 का 8 में मल्टीप्लाई 13 8 जा 104। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस का ऐड करेंगे तो साइन माइनस में ही आएगा और ये नंबर ऐड हो जाएंगे। तो ये आपका आ गया -149/65, ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट क्या वेरीफाई करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए बाई टेकिंग फर्स्ट पार्ट a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3/5। बाई टेकिंग मतलब ये वैल्यू लेकर के आपको ये वेरीफाई करना है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ये दोनों साइड इक्वल जो है आपको लाना है, इक्वल आ जाए तो समझ लो आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो देखिए a के स्थान पर रखो 6 और b के स्थान पर 3/5, ऐसे इधर b के स्थान पर 3/5 और प्लस a के स्थान पर 6। तो इसका देखिए एलसीएम कितना आएगा 5, 1 का डिवाइड 5 में करेंगे तो 5 बार और 5 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 5 बन जा 5, 3 बन जा 3, तो जी आपका 33/5। ऐसे इधर एलसीएम 5 आ गया, 5 बन जा 5, 3 बन जा 3, 1 का डिवाइड 5 में करेंगे तो 5 बार 5, 6 जा 30, तो ये आपका ऐड करेंगे तो 33/5, यानी दोनों साइड इक्वल हैं, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, आपका आंसर करेक्ट है। अब इसका मैं आपको बी वाला पार्ट और बता रहा हूँ। बी वाले में ए की वैल्यू आपको दी है 2/3, बी इज इक्वल टू -3/7। तो ऐसी वेरीफाई करना है इसको, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ए के स्थान पर 2/3 प्लस और बी के स्थान पर वैल्यू है -3/7। ऐसे इधर रख दो, बी के स्थान पर -3/7
और प्लस ए के स्थान पर 2/3। चलो इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करते हैं। 3 7 का एलसीएम 3 7 जा 21। अब 3 का डिवाइड 21 में करो, 3 7 जा 21 और 7 2 जा 14। अब ये प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, ये माइनस साइन इस प्लस को हटा देगा। अब आइए इधर, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, तो 14 में से 9 माइनस करो, आपका आ गया 5/21। इधर आइए, इधर भी एलसीएम 21 आएगा, 7 3 जा 21 माइनस के 9, 3 7 जा 21 और 7 2 जा 14। 14 में से 9 माइनस करेंगे तो इधर भी 5/21। ये आपका वेरीफाई हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये भी आपको वेरीफाई करना है लेकिन इसमें 3 वेरिएबल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है इसमें, कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टेकिंग ए बी सी की वैल्यू आपको दी है। देखिए इस प्रकार से नंबर लिखे होते हैं, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और अभी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी आपने पढ़ा है, इसको कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉमुटेटिव यानी इनके क्रम चेंज हो जाते हैं, इसमें प्लस की पोजीशन में क्रम चेंज होते हैं। तो ए पार्ट देखिए इसका, ए इज इक्वल टू -2/3 एंड बी इज इक्वल टू 5/6 एंड सी इज इक्वल टू -5/8। तो चलो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ देखिए ए के स्थान पर लिखेंगे -2/3 और प्लस बी के स्थान पर 5/6 प्लस सी के स्थान पर -5/8। ऐसे इधर आइए, ए के स्थान पर -2/3 प्लस और ब्रैकेट बी के स्थान पर 5/6 और प्लस सी के स्थान पर -5/8। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम आ गया 6, 3 2 जा 6 और माइनस का 2 2 जा 4, 6 बन जा 6 और 5 बन जा 5, इधर माइनस का 5/8। अब 5 प्लस का है माइनस का 4 है, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1/6 -1/8, इसका एलसीएम कितना आया 24। 8 और 6 का एलसीएम 24, 6 का डिवाइड करेंगे 24 में 4 बार जाएगा, 4 बन जा 4, 8 3 जा 24, 3 5 जा 15, तो ये आपका -11/24। -11/24 आपका इधर आ गया। अब इधर भी इतना ही आना चाहिए, अब इधर देखिए -2/3 प्लस, इधर देखिए इसका एलसीएम कितना आया 6 और 8 का 24, तो 6 4 जा 24 और 4 5 जा 20, 8 3 जा 24, 3 5 जा 15, तो -2/3 प्लस 20 में से 15 माइनस कर दो तो 5/24। अब जो है इसका भी एलसीएम 24 ही आएगा, तो 3 8 जा 24 माइनस के 8 2 जा 16 और 24 बन जा 24, 5 बन जा 5, माइनस का 16 है और प्लस के 5 है, तो यहाँ भी माइनस के 11 बचेंगे /24। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार से सारे पार्ट करने हैं इसके,
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, देखिए -1/3 एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है साइन को चेंज करना। यदि आपको माइनस में साइन दिया है तो वो प्लस का साइन हो जाएगा और नंबर वही रहेगा। ये -1/3 का एडिटिव इनवर्स होगा +1/3। बी, -23/9 का एडिटिव इनवर्स होगा +23/9। ये प्लस का साइन स्टूडेंट कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, लगा के नहीं लगाएं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। सी वाला पार्ट, 18 का एडिटिव इनवर्स होगा -18। डी वाला पार्ट, 17/8 का एडिटिव इनवर्स होगा -17/8, क्योंकि यहाँ प्लस साइन माना जाएगा, कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, तो इसलिए प्लस का माइनस होगा, तो माइनस का प्लस होगा और नंबर आपका वही का वही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 सॉल्व हो गया स्टूडेंट, आज इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा।